आदित्यनाथ फिर से भरेंगे हुंकार बिहार चुनावों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के हैं ब्रांड एम्बेसडर और स्टार प्रचारक और स्टार प्रचारक की भूमिका आज फिर निभाएंगे। आज बिहार जाएंगे मुख्यमंत्री, ताबड़तोड़ रैलियां, तीन रैलियां आज भी करेंगे मुख्यमंत्री और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। पश्चिमी चंपारण, रक्सौल और सीतामढ़ी में वो जनसभा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे पश्चिमी चंपारण में सीएम की पहली रैली होने वाली है। रक्सौल में 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री की जनसभा है और यूपी में कल 7 सीटों के लिए मतदान होना है और वोटिंग से एक दिन पहले बिहार में सीएम योगी रैली कर रहे हैं। यूपी में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और बिहार में तीन रैलियां हैं मुख्यमंत्री की। और हमारे संवाददाता अनुभव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, मुख्यमंत्री की आज जो रैलियां होनी है उसके बारे में तो बताइए दर्शकों को। इसके साथ साथ उपचुनाव की हम बात करते हैं, क्या मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं कि यूपी में बड़े आसानी से जीत जाएंगे? क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं कि आपके स्टेट में इलेक्शन है और आप दूसरे राज्य में जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, हालांकि आप पार्टी का फेस वहां पर भी है, यहां पर भी है। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर हम कहें तो बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी के स्टार प्रचारक तो वहाँ हैं ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसकी भी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही संभाल रखी है। और आप देखिए 20 तारीख से बिहार में उनका चुनावी कैंपेन शुरू हुआ है। पहले 20 अक्टूबर को गए, तब तीन रैलियां की, फिर 21 अक्टूबर को गए, फिर तीन रैलियां की, इसी बीच 24 तारीख को फिर उत्तर प्रदेश में तीन जगहों पर चुनावी जनसभाएँ की, फिर वो 27 तारीख को उत्तर प्रदेश में दो जगहों पर चुनावी जनसभा करते हैं, फिर 28 तारीख को फिर बिहार जाते हैं, वहाँ पर तीन जनसभाओं को करते हैं, फिर 29 तारीख को जाते हैं बिहार, फिर तीन जनसभाएं करते हैं। तो अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लगे हुए हैं कि पार्टी के कैंडिडेट ना केवल उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर जीत हासिल करें बल्कि बिहार जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर भी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हो। और आज हम कहें तो ये 5वां दिन है, जब 5वां दौरा है उनका, जब वो तीन जनसभाएं करेंगे, कुल 15 जनसभाएं आज हो जाएंगी, 18 जनसभाएं। बिल्कुल अनुभव, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपके अपने घर में इलेक्शन है लेकिन आप दूसरे के घर में हैं, तो ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने अहम हो चले हैं कि इतने क्रूशियल टाइम में भी, इतने महत्वपूर्ण वक्त में भी उनकी छवि का इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार में? देखिए बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है। खासतौर से हम ये कहें कि जिस तरीके से ब्रांड हिंदुत्व की जो छवि है योगी आदित्यनाथ की, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, 3.5 सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार है वो मुख्यमंत्री, और जो काम उन्होंने किए, ये एक वजह है कि बीजेपी ने जब बिहार में इलेक्शन के अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की तो केवल अकेले बीजेपी के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जिनका नाम था। और आप ये देखिए किस तरीके का डेडिकेशन है, यानी उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन के लिए तो प्रचार में धुआंधार प्रचार किया ही, अब चूँकि यहाँ पर तो प्रचार खत्म हो गया है, कल खत्म हो गया शाम 6 बजे, इसलिए अब बिहार में वो फिर एक बार जा रहे हैं और आज 3 रैलियाँ करेंगे, फिर 4 तारीख को 4 रैलियाँ करेंगे। आखिरी में एक कैंडिडेट ने विशेष तौर से उनका जो कार्यक्रम है वो मांगा और उसे कल जोड़ा गया। पहले यही कहा जा रहा था कि नहीं 4 तारीख को भी 3 जनसभाएं करेंगे, पर अब 4 तारीख को भी 4 जनसभाएं करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है और जिस तरीके से मंच से वो विरोधियों पर निशाना साधते हैं वो भी एक अहम वजह है कि जहां जहां इलेक्शन होते हैं जी। राजीव, अगर आपको याद दिलाएं तो 2019 में भी कुछ ऐसी स्थिति आई थी, तब उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे और महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन हो रहे थे विधानसभा के, तब भी योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर थे, वो एक दिन उत्तर प्रदेश में जनसभा करते थे, दूसरे दिन महाराष्ट्र पहुंच जाते थे, तीसरे दिन हरियाणा चले जाते थे, फिर उत्तर प्रदेश आते थे, फिर यहाँ पर चुनावी जनसभा करते थे। तो ये योगी आदित्यनाथ की वर्किंग स्टाइल है। और देखिए वो थकते नहीं हैं, आप उनको कहिए कि 2 बजे तो 2 बजे भी मिलेंगे, 3 बजे तो 3 बजे भी मिलेंगे। यही वजह है कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं कोशिश यही कर रहे हैं कि जो वोटर है उस तक अपनी बात, पार्टी की बात, पार्टी लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि पार्टी मजबूत भी हुई है और पार्टी का दायरा भी बड़ा है। आपका अनुभव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार का दौरा करेंगे।